आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। धर्मनगरी ऋषिकेश में सरस आजीविका मेला 2023 का आगाज कल से होने जा रहा है। मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देश भर के तमाम हथकरघा बुनकरों की कारीगरी देखने को मिलेगी। मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिनका जायजा लेने आज ऋषिकेश मुनि की रेती पूर्णानंद ग्राउंड में जिलाधिकारी टिहरी और अन्य अधिकारीगण भी पहुंचे। दौरान अधिकारी ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सभी अधिकारी गणों को उनके कार्य वितरित कर दिए गए हैं। मेले में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं देश भर के कई राज्यों से स्टॉल के साथ यहां पर पहुंचने लगे हैं। बाकी बचे लोगों को भी समय रहते स्टॉल वितरित कर दिए जाएंगे। देखिए, कल 3 अक्टूबर से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला मुनि की रेती में पूर्णानंद स्टेडियम के मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि पूरे राष्ट्र से कई महिला समूह अपने प्रोडक्ट्स को लेकर या कई अलग ग्रुप्स भी यहाँ पर आएंगे, अपना डिस्प्ले करेंगे। और साथ ही हमारे राज्य के भी कई NRLM के अन्य महिला समूह हैं और उनकी भी अपनी स्टॉल्स लगेंगी। साथ ही पूरे दिन भर में कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो कल इसका फॉर्मल लॉन्च है। करीबन 200 स्टॉल्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं और अभी तक सूचना है उसमें करीबन 6 राज्यों की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो इसमें जो अभी टेंट का काम है, स्टेज का काम है, साफ़ सफाई का है, अन्य जो कार्य हैं वो गतिमान है। और हम लोग का ये है कि आज रात तक सारी समस्त काम हमारे पूर्ण हो जाएंगे और कल से फिर हम लोग इस मेले का उद्घाटन करेंगे। 12 अक्टूबर तक चलेगा और जैसे हमें लग रहा है कि क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न भी है, यात्रा का सीज़न भी बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर लोगों का फुटफॉल रहेगा।